सदर थाना क्षेत्र के गांव बलाट में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसके चलते एक पक्ष के एक पुरुष तथा दो महिलाएं घायल हो गई। घटना के बाद मारपीट करने वाले दूसरे पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए तथा घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहाँ पर उनका उपचार जारी है। वही पीड़ित पक्ष की ओर से थाना पुलिस को मारपीट करने वालों के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी गई है। जानकारी के अनुसार बलाड गांव निवासी शक्ति सिंह रावत का गांव के ही पन्नालाल पुत्र लोधा सिंह के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बुधवार शाम को शक्ति सिंह अपने बच्चे को ट्यूशन से लेकर बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहा था। इसी बीच जब वह गांव में घुसा ही था कि रास्ते में पहले से मौजूद पन्नालाल पुत्र लोधा सिंह, नीलेश, विनोद तथा अनिल सहित एक अन्य लोगों ने एक राय होकर शक्ति सिंह के साथ मारपीट कर डाली। इस दौरान बीच बचाव के लिए आई शक्ति सिंह की भाभी सुगना, पत्नी मोहन सिंह व मंजू देवी पत्नी हुकुम सिंह रावत के साथ भी मारपीट कर डाली। मारपीट की घटना में तीनों घायल हो गए। इस दौरान मारपीट की घटना की जानकारी पर ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। वही घटना को अंजाम कर मारपीट करने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों की सहायता से शक्ति सिंह तथा उसकी भाभी सुगना और मंजू देवी को उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं पीड़ित पक्ष के शक्ति सिंह की ओर से सदर थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पता नहीं ऐसे खड़े थे, मैं जा रहा था, उन्होंने लटके मार के मेरे को नीचे पटक दिया, फिर बहुत मारा, और फिर मेरे को पता नहीं चला। उन्होंने मिसेज, उसकी मिसेज वो विनोद लोधा और पन्ना लोधा का वो बड़ा वाला लड़का है ना, नीलेश लोधा, उन्होंने बहुत मारा। और ये मेरी भाभी के और आँख पे वो लटपट की मार दी, आँख फोड़ दी इसकी। जमीन में सर, वो जमीन भी उसने बेच दी, किसी दूसरे गांव के को बेच दी।